आपने कही छठा वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अपना एक इतिहास लिखेगा और एक ऐसा इतिहास होगा कि जो लंबे समय तक ये इतिहास जो है कर्मचारियों को जो है उसको याद करेंगे, क्योंकि 5 वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए आए हैं और वो 100% पंजाब के आधार पे आए हैं। और मैं आपको बताऊं, पंजाब का वेतन आयोग जो है केंद्र के वेतन आयोग से हमेशा ऊपर रहा है। तो हिमाचल के कर्मचारी अगर बात कहते थे कि मालोमाल होते थे, तो मालोमाल का मतलब ये है कि केंद्र के वेतन से भी हिमाचल के कर्मचारियों को वेतन ज्यादा मिलता था। 5 वेतन आयोग की बात करो, छठा वेतन आयोग जो आया इस बार, उस वेतन आयोग में ने कर्मचारियों की कमर तोड़ दी है। मैं आपको कहूं हिमाचल प्रदेश के 100% कर्मचारी ऐसे है, एक यूं कहूं कि एक प्रतिशत कर्मचारी भी ऐसा नहीं है जिसको नुकसान नहीं हुआ है। 100% कर्मचारियों को इस वेतन आयोग से नुकसान हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को फायदा हुआ, मेरे को 20,000 का फायदा हुआ, मेरे को 10,000 का फायदा हुआ। वो उन लोगों की मूर्खता है, उन लोगों की नासमझी है जो ऐसी बातें करते हैं। फायदा कितना होगा वो नियम के अनुसार पता लगेगा कि आपको फायदा कितना हुआ और कितना होना चाहिए था। हमारा नियम ये है, कायदा ये बोलता है, जो पंजाब का वेतन आयोग छठा वेतन आयोग है वो उसी रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू होगा। उसमें कर्मचारी एक भी रुपए से पीछे नहीं हो सकता है पंजाब से। अगर वो पीछे हो रहा है तो समझो कि वो वेतन आयोग फॉल्टी है, उसमें त्रुटियां हैं, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह कि पंजाब ने भी कर्मचारियों को ठगा है। हमने आपने देखा होगा दिसंबर में और जनवरी में हमने लगातार पंजाब में जाके संघर्ष किया है। 4-5 मरतबा तो मैं भी, मेरा संगठन पंजाब के अंदर गया। क्यों गया? क्योंकि पंजाब में जो वेतन आयोग लागू हुआ वो हट के वेतन आयोग लागू हुआ, वो केंद्र के वेतन आयोग से भी नीचे है। तो इसलिए पंजाब में, पंजाब की जो तत्कालिक सरकार थी उसके साथ क्या हुआ, उसका कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई भी रिपीट नहीं कर पाया। वहां किस तरह कांग्रेस का हश्र हुआ वो आपने देख लिया, उसका खामियाजा उन्हें भुगता है। क्योंकि कर्मचारियों के साथ जो जाति करेगी सरकार, वो सरकार भी अपने आप में कहीं अस्तित्व में नहीं रह सकती है। ये हुआ पंजाब के अंदर, लेकिन हिमाचल उससे 2 कदम आगे बढ़ गया। दुख इस बात का हमारे पास है, जिसको हम एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर मानते हैं, एक जिसको बोलते हैं मध्यम वर्गीय मुख्यमंत्री मानते हैं। कर्मचारी मध्यम वर्गीय होता है, कर्मचारी कोई बड़ा वर्गीय नहीं होता है, एक हैंड टू माउथ कर्मचारी के पास होता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को समझ आ जाना चाहिए था कि हम कर्मचारियों को क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। हमने बार बार मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पिक्चर छठे वेतन आयोग की नियमितताओं के बारे में बात करने का प्रयास किया गया। जब जब हमने प्रयास किया तो हमें एड्रेस करने नहीं किया गया। मैं हूं, हमने फाइनेंस के लोगों से बात की, प्रभु सक्सेना जी से बात की, हमने किशोर जी से बात की, और लेकिन जो हमने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया तो इसी उद्देश्य से हमने बनाया था कि पंजाब का कर्मचारी क्यों पीछे जा रहा है, उसके कारण भी स्पष्ट है। हमने बात की कि इनिशियल स्टार्ट कर्मचारियों को देने की आवश्यकता है, जो पंजाब ने दिया आपने बंद कर दिया। 1/10/2012 से उसकी कैलकुलेशन हिमाचल के कर्मचारियों को करनी पड़ेगी, तब हम जो है बराबरी करेंगे। हमने कहा कि 2 साल का राइटर पंजाब में नहीं है, आपने एक राइटर शब्द लिखा है, 2 साल का प्रोविजन है, चाहे उसको कुछ भी आप बोल रहे हो सब गलत बोल रहे हैं, वो कहीं भी टिकता है। 1/10/12 से उसकी गणना करनी पड़ेगी, उसको खत्म करना पड़ेगा। तीसरा, हमने कहा कि आपने जो है कर्मचारियों को 4/9/14 बंद कर दिया है, जो 2009 का जो ड्राफ्ट था, रूल थे आपके, उस रूल के अनुसार जो आपको कैडर बेस 4/9/14 जो है 2022 तक उसकी कैलकुलेशन करनी है, चाहे किसी को 5 स्टेप अप मिल रहा है, कोई 4 मिल रहा है, चाहे 6 मिल रहा है, वो आपको गिनती में लाने पड़ेंगे। 7/7/14 के बाद आपने उस स्कीम को खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो उसकी जब तक वो सही नहीं होगी, उसकी गणना नहीं होगी, 4/9/14 बहाल नहीं होगी, तब तक कर्मचारी बराबरी नहीं आती। कर्मचारियों में जो एक सीनियर जूनियर में जो सैलरी का जो अंतर आ रहा है, जूनियर ज्यादा सैलरी ड्रॉ कर रहा है, सीनियर कम कर रहा है, इस तरह की अनोबली पहली बार खड़ी हुई है, वो तब दूर हो जाएगी। हमने कहा कि आपको अलाउंसेस देने पड़ेंगे, अलाउंसेस हमारे 16 साल से रिवीजन नहीं हुए, हमारा 600 रुपए अलाउंसेस मिलते हैं, 200 रुपए सीए, 400 रुपए एचआरए मिलता है। पंजाब के अंदर जो है 24% तक जो है एचआरए मिल रहा है, पंजाब के अंदर 10% सीए मिल रहा है। तो ये चीजें जो है आपको ठीक करनी पड़ेगी, लगभग 5,000 से 10,000 तक जो है कर्मचारी को अलाउंसेस मिलने चाहिए, सेंटर में तो उससे भी ज्यादा मिल रहा है। हमने कहा कि कर्मचारियों को जो है एरियर जो उसका बनता है उसको मिलना चाहिए। हमने कहा कि कर्मचारियों की जो डीए का एरियर है, उस डीए के एरियर को आप अपडेट करें, 28% एरियर हमारे को मिलना चाहिए था, आपने 17 पे स्टिक कर दिया। तो उस एरियर के ऊपर अभी जो आपने 3% एरियर जुलाई से दिया, उसके जो एरियर बनता था, डीए बनता था, उस डीए का जो है एरियर वो आप नहीं मिला कर्मचारियों को। तो ऐसी ना जाने कितनी अनियमितताएं हैं कर्मचारियों की, उन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए हमने बात कही है। उस जिसमें से दुख इस बात का है, दुख इस बात का नहीं है कि मैं चांजू चला गया, दुख इस बात का है कि कर्मचारियों की जो आवाज हम लगातार यहां से स्टूडियो से उठाते थे, हर मंच से उठाते थे, वो आज बंद हो गई है। कोई भी कर्मचारी संगठन, वो चाहो एनजीओ है, वो चाहो आप जिस संगठन की आप बार बार बात कर रहे हैं, या कोई दूसरा तीसरा है, 500 संगठन कर्मचारियों के हैं,
हमारे शिक्षा विभाग में 85 संगठन है, तो कोई भी पे कमीशन की एनोमली को एड्रेस नहीं कर रहा, कोई कर्मचारियों को नहीं बोला कि भाई अलाउंस तो हमारे को दे दो, कोई नहीं बोला कि भाई एरियर तो हमारा हक है, 2016 के से जो हमारे ड्यूज बनते थे उसका जो एरियर बनता है उसका भुगतान सरकार कब देगी। तो ये सारे मुद्दे, इस मुद्दों को कौन उठाएगा, इस बात की बड़ी एक विडंबना है। कर्मचारी कहाँ सोया है, क्यों सोया है, इस सरकार के बराबरी तो हम नहीं कर सकते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। अगर कोई कर्मचारी नेता ये बोले कि मैं मुख्यमंत्री या सरकार के बराबर हो जाऊं तो उसकी ना समझी है। कर्मचारी कर्मचारी होता है, सरकार सरकार होती है, कर्मचारियों को अपने दायरे में रह के बात करनी चाहिए, उसको अपनी लिमिटेशन भी देखनी चाहिए। हम उस लिमिटेशन से बात कर रहे हैं कि हम हक लेके रहेंगे, इस हम किस कैपेसिटी से इस बात को कहते हैं, हम कहते हैं कि कर्मचारियों को जो नियम के अनुसार उसके लाभ मिल रहे हैं वो लाभ आपको देने पड़ेंगे, अन्यथा कर्मचारी जो है अपनी रिजेंटमेंट को शो करने के कई तरीके कर्मचारियों के पास है। जहां एक और कर्मचारी जो है सड़कों पर उतरेगा, दूसरी ओर मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखेगा, तीसरा अधिकार कर्मचारियों के पास एक ही बालास्ट में बचता है कि जो चुनाव आता है चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट करता है कर्मचारी, वो एक बहुत बड़ा हथियार कर्मचारियों के पास होता है। और मुझे पता है कि कर्मचारी जो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर फैक्टर भी होता है, उसका अपना परिवार है, उसका समाज है, उसके अंदर भी वो सारी बातें करके किस तरह से वो सरकार के पक्ष में और सरकार के विपक्ष में जाके जो बात को करता है, कोई एक मुझे लगता है कि सरकार की को देखना पड़ेगा कि कर्मचारियों की वो एक स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत के आधार पे हम ये बोलते हैं, और मैं विशेषकर ये बात कहता हूं कि हमारी वो स्ट्रेंथ है, मुझे पता है कि हमारी वीकनेसेस भी क्या है, पर लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के आधार पे आपको मैं कह रहा हूं कि हम अपना हक लेके रहेंगे, और मुझे लगता है सरकार को हमारा देना पड़ेगा, अन्यथा जो है सरकारें तो आती जाती है। हम इस एक्सप्लोटेशन के विरोध में है, हम इस तरह की नीति के विरोध में है। हम अंत में फिर से मांग कर रहे हैं कि इन सब जो कर्मचारी है, वो चाहे आउटसोर्स वाले, वोकेशनल वाले, कंप्यूटर वाले, SMC वाले या कोई और पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, उन सब के लिए सरकार जाते जाते जो है उनके लिए क्या करे, एक उनको नियमित करे, उनके लिए नीति बनाए। ये कहना कि हमने 1000 रुपए बढ़ा दिया, भद्दा मजाक है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं सरकार के ध्यान में बात लाना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आप गुमराह करने का एक जो लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रहे हैं, कर्मचारी उससे नाखुश है, कर्मचारी समझ रहा है 1000 रुपए बढ़ाना कोई लॉजिक नहीं है। हम कोई वो डेली वेजर नहीं है, एक हम एक नियमित पोस्ट पे काम करने वाले लोग है। अगर नियमित पोस्टों पर काम कर रहे हैं तो इनको नियमित किया जाए, अन्यथा जो है इस तरह की बातें, इस तरह के दिलासे देने, इससे कोई फायदा। सरकार ने जो करना था सरकार ने अपना काम किया, बड़े अच्छे से किया। सरकार ने कर्मचारियों को डराना था, तबादले करके डराए, चाहे फोन करके डराए। और मैं यूं कहूंगी, जो हमारे कोई कुछ जो ये कर्मचारी संगठनों के नेता हैं जो सरकार की गोदी में बैठे हैं, ऐसा नहीं है वक्त आने पर जवाब सबको मिलेगा, इनको जवाब मिलेगा। इन्होंने एक एक करके कर्मचारियों को डराया कि आपको चंबा जाना है कि नहीं जाना है, आपको घर में नौकरी करनी है कि आपको चंबा जाना है, कि आपको उस कोने में जाना है। तो जो लोग जुड़े हुए थे, एक्टिव लोग थे, उनको फोन कर करके किसी के माध्यम से संदेश दे दे के जो है कर्मचारियों को, नेताओं को डराने का प्रयास किया, और जो ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ की जो मुहिम थी उसको कमजोर करने का प्रयास किया। तो पहली बात तो मैं बताऊं कि ये जो आपको जो आज दिखते हैं लोग, ये किस तरह से कर्मचारी हितैषी हो सकते हैं। मैं इन सबको एक एक करके बेनकाब भी करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, मैं स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं, मेरे पास तथ्य है, मैं तथ्य के आधार पर बात करूंगा। हाँ, जिस दिन स्टूडियो में कभी लाइव में लोग आएंगे तो उस दिन उनसे हमने बात करूंगा। शायद ये वजह कि कोई लाइव नहीं मेरे साथ जुड़ना चाह रहा है, नहीं जुड़ेगा, जुड़ भी नहीं पाएगा शायद, ये मैं दावे से कह सकता हूं। तो हमारा संयुक्त कर्मचारी महासंघ का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम एक जल्दी बैठक भी करने वाले हैं, बैठक के बाद हम शायद एक दो दिन में अभी चीफ सेक्रेटरी जो नए हमारे बने हैं दीवान जी, उनको हम मेमोरेंडम भी देंगे। बातें वही सारी पुरानी है, क्योंकि हुआ तो कुछ है नहीं है। जितनी मांगे थी उनमें से एक भी मांग कर्मचारियों की पूरी नहीं हुई है, वो चाहे किसी भी विभाग के कर्मचारी थे। आज देख रहे हैं कंडक्टर जो है HRTC के वो धरने पे बैठे हैं, उनकी मांग बहुत जायज मांग है। उनको जो बेसिक मिल रहा था, उनका जो ग्रेड पे थे उससे पीछे लाया गया, वो अपने ग्रेड पे और बेसिक के लिए रो रहे हैं। HRTC के ड्राइवर है वो अपने को तरस रहे, उनके जो ओवर टाइम उनको अलाउंस मिलता था, ओवर टाइम उनको जो बेनिफिट्स मिलते थे वो उनको नहीं मिल रहा है, उसकी उनकी लड़ाई है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रोना है। उसी तरह से मैं आपको कहूँ कि जो हमारे पास उसके कर्मचारी है, आपके पंचायत समिति जिसको हम कहते हैं, अभी जिला परिषद में कर्मचारी डाल दिए, मतलब पंचायती राज के कर्मचारी अभी धरने पे बैठे थे बहुत टाइम तक, उनको बोला कि आप तो अब हमारे कर्मचारी नहीं है। लगभग 4000 कर्मचारी जो पंचायत समिति में उनको जो है उधर डाल दिया गया है, जिला परिषद में डाल दिया गया है, कहते हैं वो तो सरकार के कर्मचारी नहीं है।
और वो काम सारा पंचायतों में कर रहे हैं, सीडी ब्लॉक्स के अंदर कर रहे हैं। तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जो जितना भी स्टाफ है या पंचायतों के अंदर जितना भी स्टाफ है उन सबको पे कमीशन रिवाइज नहीं हो रहा, वो अपने लिए परेशान है। जो हमारे पास नगर परिषद नगर निगम है उनके कर्मचारियों को पे कमीशन नहीं लागू हो रहा है, उनकी एनोमलीज है। तो मैं ये कहूंगा कि वो चाहे टूरिज्म के कर्मचारी हमारे हैं, किसी भी बोर्ड निगम या किसी विभाग के कर्मचारी अगर मैं कहूं तो मैंने कहा कि 99.9% कर्मचारी आज सरकार से खुश नहीं है। मैंने तथ्य के साथ आपसे बात कही है, मैं हवा में कोई बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि किसी की एनोमली जो है किसी की एनोमली को सरकार एड्रेस नहीं कर रही है। सरकार कुछ जो लोगों को आगे खड़ा करती है, पहले एक जो एनजीओ का लीडर के नाम से जो है उनको खड़ा किया गया, एनजीओ का लीडर बनाया कि वो कर्मचारियों की बात को एड्रेस करेगा। जब सरकार को लगा कि वो लीडर जो है वो नाकाम हो चुका है, कर्मचारियों को एड्रेस करने में नाकाम है, कर्मचारी बात नहीं सुनते, कर्मचारियों की जो नाराजगी उसको वो दूर नहीं कर पा रहा है, कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ रहे है, तो सरकार ने एक और शोकूफा फेंक लिया। एक जो पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष कोई बनाए हैं, आप देख रहे होंगे अभी उन्होंने कल परसों बैठक भी की है उनके साथ, अपने जो एनपीएस के कर्मचारी है, वो एक नया एक पैंतरा सरकार की तरफ से फेंका गया है। मुझे लगता है कि वो संवैधानिक संस्था नहीं है। मैं तो स्पष्ट आज वो कहना चाहता हूं कि हम उस संस्था के से बात करने में मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फायदा या हमें बात करनी चाहिए। सरकार की अपनी एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जैसे सरकार ने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हम जो है क्या करेंगे, कमेटी बनाएंगे, है कि नहीं, और एनोमली कमेटी बनाएंगे। मुझे बताइए कि चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कितनी मीटिंग हुई, अगर आपने बनाई, फाइनेंस सेक्रेटरी के अध्यक्षता में आपने कमेटियां बनाई, उन कमेटियों की कितनी बैठक कर्मचारियों के साथ हुई, नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई? आपने कहा कि हाई पावर कमेटी बनेगी, उसमें जो है चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में सारे मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे, उसमें पे एनोमली के मुद्दे भी हो गए, कर्मचारियों के और मुद्दे भी हो गए, 414 के मुद्दे भी हो गए, और एजुकेशन के सारे मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी तो आपने 4-5 बदल दिए, किस चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में आपने कर्मचारियों के साथ बैठक करी, किसकी अध्यक्षता में किस कर्मचारियों के साथ आपने कौन से मुद्दे डिस्कस हुए, अगर नहीं हुए तो मुझे लगता है सरकार की बहुत बड़ा फेलियर है इसके ऊपर। यही बात दूसरी कि कांग्रेस बात करिए ओपीएस की, हाँ ये बड़ा एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ओपीएस की बात, हम ओपीएस की बात को चर्चा में जरूर लाएंगे। ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है जो हर व्यक्ति से जुड़ा मुद्दा है और हर व्यक्ति चाहता है कि ओपीएस की बहाली हो, और उसमें कांग्रेस ने इस बात को बड़े हाथ लिया है। हम कांग्रेस की जो जो पार्टी है उस पार्टी के जो भी है पदाधिकारी है, और हम सब उन सब लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बड़ा सहर्ष इस बात को कहा है कि हम सत्ता में आते ही पहला काम करेंगे ओपीएस बहाल करेंगे, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन वक्त आने पे ही इस बात को हम सही साबित कर पाएंगे कि भाई होता क्या है। लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ओपीएस ही एक मुद्दा नहीं है, ये बात हमें समझने की आवश्यकता है, ये दोनों पार्टियों को समझने की आवश्यकता है, ये कांग्रेस को भी समझने की आवश्यकता है, ये बीजेपी को भी समझने की आवश्यकता है। ओपीएस के साथ साथ कर्मचारियों के जो नियमित मुद्दे हैं, जो प्रमोशन से रिलेटेड मुद्दे, मैं आपको बताऊं, शिक्षा विभाग में हेडमास्टर की प्रमोशन 1 साल से ज्यादा समय हो गया, लेक्चरर की प्रमोशन 1 साल से ज्यादा समय हो गया, प्रमोशन ही नहीं हो रही है कि नहीं, अन्य वर्गों की प्रमोशन नहीं हो रही है, और डिपार्टमेंट्स की स्थिति है, ये पदोन्नतियां हो रही है, पोस्ट खाली जा रही है, लोग रिटायर हो रहे हैं, जिसने पदोन्नति लेकर रिटायर होना था उससे पहले रिटायर हो रहा है। देखिए 1 साल में कितनी रिटायरमेंट होगी होगी, अगर वो प्रमोशन होती तो वो हेडमास्टर बन गए होते, कोई लेक्चर बन गए होते, कोई प्रिंसिपल बन गए होते, कोई और विभागों में भी ऐसी स्थिति है। तो ये स्थिति मुझे लगता है कि सुखद नहीं है, क्यों नहीं हो रही है, जबकि जो है साल में 2 या 3 बार तो मिनिमम प्रमोशन होती होती है, और या फिर पे कमीशन की अगर मैं बात करूं, जो एनोमली हर आदमी उस एनोमली को ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं अगर 2,000, 3,000, 5,000 का लॉस मुझे बेसिक में हो रहा है तो वो पूरी सैलरी में कितना लॉस हो रहा है, या मुझे आपको मैं कहूं कि मेरे जो 3 लाख या 5 लाख रुपए किसी कर्मचारी का एरियर बनता है, उसको पता कि अगर ये सरकार एरियर नहीं देगी तो अगली भी नहीं देगी, बड़ा स्पष्ट बात है। अगर ये सरकार नहीं देगी जिसने पे कमीशन को इंप्लीमेंट किया, लागू किया, और वो इलेक्शन में जा रहा है, इलेक्शन मोड में सरकार जा रही है, अगली सरकार चाहे बीजेपी की भी आएगी तो भी वो जो है वो जो एरियर है कर्मचारियों का वो खा जाएगी, दूसरी सरकार आएगी वो भी नहीं देगी, और अभी जो अभी डीए का एरियर है सरकार ने वो भी नहीं दिया। तो ये छोटे छोटे मुद्दे नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे है। तो मैं ये कहूं दोनों पार्टियों के लिए कि पेंशन ही एक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दे नहीं है, ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अनगिनत मुद्दे है जो अपना स्टैंड रखते हैं, जिसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में पड़ेगा। मैं यूं कहूं हर मुद्दे का अपना एक इम्पैक्ट है। तो ये कहना कि पेंशन ही मुद्दा है, पेंशन के ऊपर आप बात करेंगे बाकी मुद्दे छोड़ देंगे, वो मुझे लगता है वो भी ना समझी है। हर मुद्दे का महत्व है और पेंशन उनमें से बहुत बड़ा मुद्दा है, इस बात को मैं भी एग्री करता हूं। हम उन कर्मचारियों के साथ है, उन कर्मचारियों की मैं ओपीएस में आता हूं, आपको पता है
मैं ओपीएस का कर्मचारी हूं, मुझे पेंशन वाली ऑप्शन है, फिर भी मैं एनपीएस के कर्मचारियों के लिए खड़ा हूं। और आपने सही कहा कि 3 तारीख को हमने एक बहुत बड़ा प्रयास किया कर्मचारियों को जोड़ने का, उसके बाद भी उससे पहले भी हम जुड़ते रहे उन लोगों के साथ, जब जब वो लोग हमें बुलाते हैं हम उनके साथ खड़े होते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझ के उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके चैनल के माध्यम से, एक दो दिन में हम चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने वाले हैं और सारी मांगे हमें उसमें वही मांगे हैं उसको दोबारा से एड्रेस करेंगे, समय भी मांगेंगे वार्ता के लिए, और उसके साथ साथ हम एक संघर्ष की रूपरेखा तैयार करने वाले हैं कि हम कैसे, जैसे मैंने कहा कि हम पहले भी हमने 4 जिलों में संघर्ष किया, हमारा जो संघर्ष है सरकार ये ना सोचे कि विधानसभा सत्र में एक दिन आएंगे और अपना काम करेंगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम हर जिलों में काम करेंगे, खंड स्तर पे काम करेंगे, वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, ऐसी एक रूपरेखा हम बहुत जल्दी तैयार करने वाले हैं और उसका जो भी शेड्यूल होगा वो भी आपके समक्ष हम जारी करने वाले हैं, उसको हम साझा करेंगे।